सो हम बात करने वाले हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन, राइट। डैशबोर्ड जैसे कि हमने आपको अपनी सिलेबस के बारे में बताया, आपने देखा, तो डैशबोर्ड है क्या, पहले चीज को जान लेते हैं। देखिए, डैशबोर्ड का मतलब होता है कि रिपोर्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब रिपोर्ट की सारी कंट्रोल जो है एक सेल पे होना चाहिए, ठीक है। एक सीट सही पे है। होना चाहिए, एक विजुअल पर। जैसे कि आप एक ड्राइवर हो, आपके पास एक गाड़ी है, तो ऐसा थोड़ी कि आप ब्रेक मारने के लिए आप पीछे जाओगे, या फिर आपको कुछ चेक करना है कि आपका डिक्की खुला है तो उतर के पीछे जाओगे, तो ऐसा चीज नहीं सही चलेगा। हर एक इंफॉर्मेशन आपके ऑन स्क्रीन होना चाहिए, सही ठीक है। जैसे कि आपके सामने अभी एक सेल्स रिपोर्ट्स है, एक डेटा है। अच्छा, आप जी देख रहे हो कि मैंने डेटा के अंदर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है, डेटा वही है जो मैंने डाउनलोड किया है। होते हैं कि बहुत सारे रिपोर्ट्स में कई बार हमें कई कई कॉलम ऐड करने पड़ जाते हैं कैलकुलेटिव, तो यहाँ पे मैं इसको इग्नोर करता हूँ। मोस्टली रिपोर्ट जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक नहीं डालता। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मान लीजिए डेटा तो कई बार हम कॉपी पेस्ट करते हैं, बट कई बार डेटा कनेक्टेड होता है हमारे सिस्टम से, हमारे सॉफ्टवेयर से, हमारे डेटाबेसिस से, तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो डेटाबेस जो डेटा देता है वो रहेगा, उसके अलावा बार बार मुझे अपने कॉलम को, अपने फॉर्मूला को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता सही है। है। सो आप हैबिट रखिए कि डेटा आपको जैसा मिला वैसा मिल रहे, उसकी किसी तरह का छेड़छाड़ ना की जाए। तो ये आपके सामने मेरे पास 10 साल का सेल्स डेटा है, 10 साल का सेल्स डेटा है, और इस डेटा के ऊपर हमने यहाँ पे ये एनालिसिस निकाला है। देखिए क्या होता है, अब जैसे ये रिपोर्ट मेरा बन गया, नेक्स्ट टाइम जो भी होगा क्या करेगा, डेटा को डिलीट करेगा, इसमें नया डेटा डालेगा और रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसमें कुछ पिवट टेबल लगे हैं, तो एक बार राइट क्लिक करके उसको पिवट टेबल को, सपोर्ट शीट में मैंने पिवट टेबल लगा रखे हैं, उसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना, और ये भी जब फाइल ओपन, अगर रीओपन करता है तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, उसको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो जब आप एक रिपोर्ट बनाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि आप जिसके लिए रिपोर्ट बनाते हैं वो समझिए कि वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वेब प्रूफ है। वो बात समझे, मतलब मान समझा। लीजिए कि मैंने ये बनाया अरुण सर के लिए, मैंने रिपोर्ट बनाया और मैंने दिमाग में ये रखा कि अरुण सर बिल्कुल वेब प्रूफ है। मान लीजिए अरुण सर हो सकते हैं जीनियस हो, लेकिन आप बोले कि आपके लिए वो बिल्कुल वेब प्रूफ है। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप रिपोर्ट को एकदम सिंपलाइज करें कर सके, कॉम्प्लिकेशन ना रखें, ना बनाने में, ना समझने में, ना उसको हैंडल करने। समझ गए? समझा इसलिए आप इमेजिन रखिए कि आप जिसके लिए रिपोर्ट बना रहे हैं बिल्कुल बेवकूफ हो, गधा। सही। अब डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज चाहिए होगी? पहली नॉलेज होनी चाहिए आपके पास इमेजेशन, ठीक है। आपके अंदर एक दूरदर्शिता होनी चाहिए कि आप किस तरह से क्या निकालना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह का डिजाइन, किस तरह का स्टाइल बनाना चाहते हो। हर स्टाइल में इनके इंफॉर्मेशन होता है समझने के लिए। अब जैसे कि देखिए, मैंने 4 अलग अलग ए बनाए हुए हैं रिपोर्ट, हालांकि इस चारों के इकट्ठा एक जगह पे हम बना सकते थे। आप देख पा रहे हैं ना कि मैंने 4 अलग अलग हमने बनाए हुए, अगर सपोर्ट शीट में आते हैं हम, तो ये रहा जोन, ठीक है, जोन बाई जोन। तो मैं इसका एक ही का समझ यहीं पे कर सकता था, सॉरी, एक ही चार बना सकता था। इंसर्ट, यहाँ पे चार, चाहिए वाली चार बना लीजिए, एक ही नाम, एक ही बना सकता था। और एक चार्ट में प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए मैंने ऐड डेटा कर दिया, ऐड डेटा लेवल, इसमें परसेंटेज आ गया, चलिए मैं जोन भी डाल देता हूँ फॉर्मेट डेटा लेवल में जाके, ठीक है। अब देखिए हो रहा है सर, सही एक बना सकता था, बट इसमें क्या हो गया कि अब क्योंकि एक बंदा अगर देख रहा है तो ठीक है, लेकिन क्या है कि इस रिपोर्ट को जो है इंडिविजुअली, नॉर्थ का जो जीएम है वो अलग देखता है, ईस्ट का जीएम अलग देखता है, तो हर किसी को सोचना पड़ेगा और समझने में दिक्कत हो रही है। दूसरी बात,
कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि अब ये 17% हुआ तो ओवरऑल में 17% और 17% சொல்லுங்க ரவி வந்து வந்து கலவாங்க ओके 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 आपको उसके लिए सेपरेट बनाया सही है ना हाँ 17% है तो उसको ये समझना दिक्कत हो जाता है कि 17% है तो किस्त में सही है तो हमने क्या किया यहाँ पे परसेंटेज और इसका 100% में 17% करके हमने डैश पे तो चार अलग अलग चार बना दिए अब यहाँ पे सेंट्रल बता रहा है 21% उसको समझ में आ रहा है कि यार 100 में से हम 21% ले रहे हैं सही है तो इस वाले को समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप सिंपलाइज करना जरूरी होता है तो इसके लिए चाहिए होगा आपको इमेजिन करना कि हर रिपोर्ट को ठीक है सही है तो पहली चीज सर जी आफ्टर 5 मिनट्स मैं कनेक्ट एक 10 मिनट ब्रेक लेता हूँ एक छोटे से काम आ गया था उसके लिए आफ्टर 5 मिनट्स तो हम बात कर रहे थे कि आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले चीज लगेगी इमेजिनेशन मतलब कि इमेजिनेशन आपको लगेगी कैसे आप इमेजिन करें कि आपका डैशबोर्ड में क्या क्या होना चाहिए पहले चीज दूसरी चीज आपको चाहिए चार्ट्स पे आप देख पा रहे हैं कि हमने कितने इस तरह से चार्ट्स लगाए हैं चार्ट्स पे आपको अच्छी खासी चाहिए पकड़ ठीक है ओके तो चार्ट्स के ऊपर आपको चाहिए पकड़ तीसरा उसके बाद अभी आप देख पा रहे हैं कि चार्ट्स जो है तीन फेज में बनते हैं तीन तरीके से बनते हैं पहला होता है आपका पिवट चार्ट पिवट चार्ट अभी जो देख रहे हैं पिवट चार्ट का एग्जांपल हमने पिवट टेबल कई सारे लगाए हैं उन पिवट टेबल को यहाँ पे कंबाइन किया है इसको बोला जाता है पिवट चार्ट तो पिवट टेबल से बना हुआ है डैशबोर्ड्स है तो पिवट टेबल पे आपको कमांड चाहिए दूसरा आपके फॉर्मूले से बनी हुई चार्ट होगी तो फॉर्मूले पे अच्छा कमांड चाहिए और तीसरा अगर आपने वीवीए इस्तेमाल किया है तो वीवीए का अच्छा खासा रोल हो जैसे ये देखिए ये भी आपका पिवट चार्ट का ही है पिवट टेबल पिवट टेबल से ही बना हुआ डैशबोर्ड ओके ठीक है ओके तो इसलिए आपको मैंने बताया आपको सेल्स डैशबोर्ड 2 है अब ये देखिए ये हमारा बना हुआ है किसे समरी हाँ ये बना हुआ है फॉर्मूलास ओके फॉर्मूलास ओके 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 हमने अलग अलग शीट्स पे अलग अलग चीजें निकाली हुई है देख पा रहे हैं ये सारा फॉर्मूलास है अच्छा ओके ठीक है इन सबको यहाँ पे हमने समराइज किया आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लगाया सही तो फॉर्मूले होने चाहिए दूसरी आपका आपका वीवीए प्रोग्रामिंग आप फुल्ली ऑटोमेशन चाहते हैं या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं कुछ ऐसी कैलकुलेशन है कि उसमें अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में हम चाहते हैं हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं फॉर्मूला वीवीए सॉरी तो BVA? हाँ तीन स्टेज होता है पहला आपका होता है पिवट कि आप पिवट टेबल के जरिए चार्ट्स बनाएंगे पहले ओके दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका फॉर्मूला आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे रिपोर्ट्स बनाने के लिए और तीसरा जो आता है वो आता है VBA माइक्रो ओके VBA माइक्रो ओके देखिए पिवट टेबल तो एक्सेल के इनबिल्ट फंक्शन है आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला भी पिवट टेबल के इसका एक्सेल का इनबिल्ट है तो इसका इस्तेमाल कर लें लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जो है पिवट टेबल की जो चीजें है वो इनबिल्ट नहीं मिलती है ओके समझे इसमें क्या है कि हमें प्रोग्रामिंग के मदद से उस चीज को बनाना पड़ता है ओके समझे जी समझा समझा ही अंडरस्टैंड तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ओके फॉर्मूलास फॉर्मूलास पीवी टेबल एंड बीबीए माइक्रो
actually, it's when we are making the PVO table, we need to or like we need to use हाँ the तो इसमें formulas also, आपको no? मैं along with it. इसमें आपको अभी तो नहीं कहता है कि आपको सारे फॉर्मूले सिखा दूंगा, लेकिन हाँ इसमें जो मैं बोल रहा था आपको कि आपको सबसे पहले तो इसमें आपको हम पिवट टेबल सिखाएंगे। सबसे पहला जो काम चलेगा वो हमारा पिवट टेबल का चलेगा। पिवट टेबल के बाद हम कुछ जो फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उन फॉर्मूले को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके ओके फाइन ठीक है। देन हम बात ओके करेंगे फाइन चार्ट्स एंड डायनेमिक चार्ट। में डैशबोर्ड बनाने से पहले अभी हम ये सारी चीजें करेंगे। ओके तो यहाँ पे आपको कुछ पहले हम बात करेंगे पिवट टेबल पे, देन बात करेंगे फॉर्मूले पे, और उसके बाद हम ओके बात करेंगे डायनेमिक वीबीएम चार्ट पे। ओके क्योंकि इसमें आपको डायनेमिक चार्ट्स भी चाहिए होगा, क्योंकि पिवट टेबल इन दोनों के बीच का कई जो है चार्ट्स हो गए। ओके चार्ट्स एंड एक डायनेमिक चार्ट भी आती है। डायनेमिक चार्ट के मतलब हुआ कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग अपना चार्ट अपने आप को चेंज कर, ओके समझ ओके गए। ओके तो आई डायनेमिक चार्ट समझा उससे पहले आती है कि आपको पहले से एक्सेल कितना आता है उस चीज को जानना। ओके अभी मैंने अभी अंडरस्टैंड अभी मैंने आपको करीब 5 घंटे की एक रिकॉर्डिंग भेजी है सर, ओके जो कि प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग कहलाता है। जो डायरेक्ट एक्सेल या डायरेक्ट डैशबोर्ड को जो सीखते हैं ना सर, हाँ हाँ सही है सही है सही सर, है हाँ उनके लिए यू नीड होता टू है। अंडरस्टैंड तो माय हाँ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एक्सेल यस, करेक्ट तो पहले आप क्या करें उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देख लें। फिर हम कल जो ओके है